दोनों जना मिल के काबर उठले बोलबम बोला त देव घर एलिए। दोनों जना मिल के काबर उठले बोलबम बोला त देव घर एलिए। कैसे चढ़े हम शिवलिंग पे जल, कैसे चढ़े हम शिवलिंग पे जल, खोज दाए बाबा भुलाए गेल जान, गलिया पे रहे गो तिल के निशान, खोज दाए बाबा भुलाए गेल जान, हो हेराए गेल जान, गलिया पे रहे गो तिल के निशान। नमस्कार, फिर से एक बार हम लोग आपके बीच आ गए हैं गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज झारखंड के तरफ से। आज अभी तुरंत बहुत सुंदर सावन का गीत रिकॉर्ड हुआ है और ये गाना आपके बीच जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम अपने दर्शकों को बताइए, प्रणाम करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार प्रणाम, हम उमेश बेदर्दी और गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, ये हमारे पहला एल्बम बा और फर्स्ट गाना गैले बनी देवघर के, और रउवा लोग ऐसे प्यार दुलार दी और बढ़िया से सुनी और एक आगे हम का। अच्छा, उमेश बेदर्दी। हाँ जी, ऐसा क्यों आप नाम रखे? ये पहले से मेरा नाम है उमेश, और आज मैं गाना गाने आए हैं तो मेरा राइटर बोला कि आप उमेश बेदर्दी इसमें दे दो, दे दिए, और सबके मन से मैं ये नाम अपना ये रखे बेदर्दी। बहुत बढ़िया उमेश जी, उमेश बेदर्दी। हर सिंगर जो होते हैं ना, वो अपने नाम के पीछे एक थोड़ा सा प्रचलित कुछ चीज जो होता है, जो कुछ यूनिक होता है शब्द, तो उसको लगाते हैं, वो ये भी अपने नाम के पीछे उमेश बेदर्दी लगाए हैं। तो उमेश बेदर्दी जी, आपका जो गाना रिकॉर्ड हुआ है बहुत बढ़िया गाना है, तो आपके जो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप आए कहाँ से हैं? हम पीरपैती बकियादिरा से आए हैं। और लगभग कितना किलोमीटर दूर होगा? लगभग वही कम से कम तो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर से उमेश बेदर्दी और इनके जो लोग भाई लोग आए हुए, सब लोग वहां से आए हैं, और जानते हैं टेम्पू लेकर आए हुए हैं। हाँ जी, टेम्पू लेकर, टेम्पू पर तीनों आदमी आए हैं, और लगातार 2 बजे से ही ये फोन कर रहे थे। बकिया दियरा आप जरूर, अगर अगल बगल के लोग होंगे तो जान रहे होंगे, बहुत दूर है, बहुत ही दूर है, और वहाँ से ये तीनों भाई लोग टेम्पू चला के आए हैं। देखिए, गाना गाने का एक शौक जो होता है ना, एक आनंद जो होता है ना, एक मजा होता है, वो गजब का फीलिंग होता है, तो ऐसा फीलिंग हम अपने उमेश बेदर्दी में देख रहे हैं। उमेश बेदर्दी, आप जो आज गाना गाए हैं, तो आपके जो राइटर हैं, आप अपने राइटर के बारे में बताइए। राइटर, ये मेरा राइटर है, राइटर नाम उनका क्या है? आप अपने राइटर, राइटर का नाम है गौतम गौतम। बहुत आपके राइटर जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया वो गाना लिखे हैं। गौतम जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, आप अपने दर्शकों को बताइए कि ये गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ये सर, मैं यूट्यूब पे ऐसे देखें और मुझे पता चला कि फलने फलने जगह है, बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है, गाना भी सिंगर गाते हैं बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ चल के आए और गाए, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी लगा। उमेश जी, आप जब आप अंदर में गा रहे थे और हमारा कुणाल सर जब आपका गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमको भी लगा कि आप बहुत जल्दी, मतलब बहुत बढ़िया आपका तैयारी, ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया तैयारी करके आए हैं। आपने एक बार अंदर गया, आप स्टोर अंदर गए रूम में, और एक बार में माइक पर आप चढ़े और गाना फिनिश करके निकल गए, तो ये तो बहुत बढ़िया आपका है, और हमको लगता है कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और आपका जो गाने का तरीका है, आपका गला भी बहुत माने यूनिक है, एक अलग टाइप का आवाज है। जब आपके, अभी तो आपने भोला बाबा आपका सावन का गीत गाया है, जब आप शादी विवाह का डीजे का गीत गाएंगे, या झूमर हो, या सोहर वगैरह हो, या फिर भोजपुरी का गाना हो, स्टेज तरह का गाना हो गाएंगे, तो वो तो गाना एकदम बिल्कुल आपका गाना धमाल मचा देगा। तो आपको देखिए, जैसा हमारे गायक उमेश बेदर्दी बता रहे हैं कि इन्होंने हमारे चैनल को, गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, यूट्यूब के माध्यम से देखा, उस पर हमारे जो डायरेक्टर साहब का ट्रेड इंक्वायरी के लिए
जो इनका नंबर डिस्प्ले पर चलता है उस नंबर को इन्होंने निकाला, फिर हमारे स्टूडियो के डायरेक्टर साहब से बात किया और बेचारे 50 55 60 किलोमीटर बकिया दिया रहा भागलपुर बिहार से चल के आए हैं और आकर आधा घंटा भी इनका जितना आने में इनको जहां से ये बता रहे हैं वहां से आने में इनको 2 से 2.5 घंटा अपने टेम्पू से लगा होगा और जाएंगे अभी अभी गाना गा के भी इधर से जाएंगे तो 2.5-2 घंटा लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया गाना गाए हैं आज। आज इनका 6ठा सिंगर का ये गाना रिकॉर्ड है लेकिन आज का सबसे मस्त गाना ये गाए हैं। इसके लिए हम अपने पूरे स्टूडियो परिवार की तरफ से उमेश बेदर्दी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके लिए ज़रूर एक बार मैं अपने सुनने वाले दर्शकों से निवेदन करते हैं कि ज़रूर आप इनके गाना को एक बार सुनिएगा। नया कलाकार हैं, एक बार इनको ज़रूर आप शाबाशी दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको इनका गाना कैसा लगा। और ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए इनके जो राइटर हैं वो भी बैठे हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अब हम सीधे चलते हैं राइटर जी के पास और उनसे बात करते हैं कि उनको गाना लिखने का ये सरस्वती जी का कहाँ से ज्ञान हुआ और कैसे इतना बढ़िया गाना लिखते हैं और कैसे अपने गायक को सपोर्ट करते हैं जानते हैं। दर्शक लोग दर्शक प्रणाम करते हैं और हमारे गाना जो गाना सबसे अच्छा गाना है देखने में सुनने में भी, और हम गाना कैसे राइटर दिए सिंगर को लिखो तो हम बता रहे हैं, हम कुछ करते तो नहीं है पढ़ा भी नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा इसे घूमते फिरते हैं और गाय माल चराते हैं और थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं अभी। कोशिश करिए कि और जो आपका जो सिंगर है इसके बाद भी आपके पास समय है तो दूसरे गायकों के लिए दूसरे सिंगर के लिए भी गाना आप जरूर लिखिए, इस स्टूडियो के लिए गाना लिखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी कि आप वहाँ से बकिया से चलकर आए हैं और आपका गाना रिकॉर्ड। अच्छा, हमारा स्टूडियो जो अब आप पहुँचे इस गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो कैसा लगा, यहाँ के जो हमारा टीम है जो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम है आपको कितना मदद किया, बढ़िया लगा कि खराब लगा, कैसा लगा बताइए दर्शकों को। बहुत बढ़िया लगा स्टूडियो में घुसकर और सब भैया से मिले, बहुत बढ़िया है गाना रिकॉर्ड बढ़िया से किया, सुनने में भी अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो गाना है ना, गाना का मुखड़ा उनको हम बोलते हैं अपने दर्शकों को गुनगुना के सुनाएं। दोनों जन मिल के काबर उठले बोलबा मा बोला ता देव घर एलिए, दोनों जन मिल के काबर उठले बोलबा मा बोला तो देव घर एलिए, कैसे चढ़े हम शिवलिंग पे जल, कैसे चढ़े हम शिवलिंग पे जल, खोज दाए बाबा भुलाए गेल जान, गलिया पे रहे गो तिल के निशान, खोज दाए बाबा भुलाए गेल जान, वो हेराए गेल जान, गलिया पे रहे गो तिल के निशान। बहुत बढ़िया उमेश जी। देखिए दर्शक बंधुओं, इनकी जान भुला गई है और पहचान क्या है इन्होंने बताया, तिल गाल पे तिल है, तो जरूर इनकी जान को हम सब मिलके आप लोग खोज के और बताइएगा उमेश जी को कि आपकी जान मिल गई, सुरक्षित है, जान माल सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टर साहब के पास जो आज जो लोग बकिया से आए हुए चल के, आपका उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, आपने लगातार इनका फोन इनसे संपर्क बनाए रहा, कहाँ तक पहुँचे क्योंकि 2.5-3 घंटा आने में लगा है तो, और आपने गवाया, आपके कोशिश से उमेश आज गाना गाया बहुत बढ़िया, तो आपका राय हम जानना चाहेंगे डायरेक्टर साहब। नमस्कार करता हूँ सभी दर्शकों को गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से, और आज का मेरा जो सिंगर है ये मेरा 4था सिंगर है उमेश बेदर्दी। आज हमारे स्टूडियो में आज 4 गाना रिकॉर्ड हुआ है जो कि उमेश बेदर्दी का गाना है और हमारे साइड में बैठे हुए राइटर साहब इन्हीं का गाना लिखा हुआ आज हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया। आज सुबह से ही 10 बजे से ही आज रिकॉर्डिंग करते 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 अभी शाम के 6-7 बज गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिंगर को बताते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद गवाते हैं, जब तक कि वो सिंगर अपना लय में नहीं आए, बीट पर नहीं आए तब तक हम लोग उसको एक गाना को फाइनल कराते हैं, कराते जब तक कि फाइनल नहीं होता है तब तक हम लोग सिंगर को छोड़ते नहीं हैं। हर बीट, हर वॉइस, हर चीज़ को हम लोग एक एक तरीका से बारीकी बारीकी से देख देख के, हर वर्ड को देख देख के हम लोग उसको गवाते हैं।
और नया सिंगर से यही अनुरोध है कि आप लोग मेरे गंगा जल रिकॉर्डिंग में आइए, संचोक आइए, बेझिझक आइए, और जो कि मतलब आपको बता रहे हैं कि आके आप गा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब, और इसी के साथ हम पूरे अपने स्टूडियो टीम की तरफ से आपको आज का वीडियो समर्पित करते हुए अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गंगा जल स्टूडियो में जो बच्चा आया उमेश बेदर्दी, बहुत बेचारा अच्छा से गाना गाया और बेचारा टेम्पू से आया है, और देवघर का सावन का महीना आने वाला है, और देवघर में भी तो अभी पूजा पाठ लॉकडाउन के लिए ऑनलाइन चल रहा है, तब तक दर्शकों से आग्रह है जी यही गाना को हम आप लोग आनंद लें। जय भोले दानी।